हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 में, उसका रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको इसमें सब बच्चों के मार्क्स दिखाऊंगा कि किस राज्य में कितनी कट ऑफ हुई है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, या बच्चों ने कहाँ गलती करी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए, तो अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आप लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल, ये सारी चीज़ें आप करिए और इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। QR कोड के थ्रू हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। RIMC, RMS, इनकी आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। इस नंबर पर कॉल ले लीजिए, कॉल करिए और यहाँ से अपनी लाइव क्लास को बुक करिए। तो चलिए, तो यहाँ पर एक बार आइए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेट वाइज रिजल्ट रिटर्न फॉर, ये क्या लिखा है, ये रहा पूरा का पूरा आपका RIMC एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर 2021 फॉर द जुलाई सेशन के लिए आपका। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है 13/5, मतलब कल ही आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट एकदम। तो यहाँ से आप अपने लिस्ट को चेक करिए। लिस्ट को कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ से आइए। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पहली तो बात ये कि पासिंग मार्क्स को देखिए। यहाँ से ये पासिंग मार्क्स कितने हैं, मैथ्स में 200 मार्क्स में 100, 125 और 38, ये हो गया। और ये स्टेट वाइज है। सबसे पहले मैं चलता हूँ आंध्र प्रदेश पे। अगर आंध्र प्रदेश पे देखेंगे तो ये सारे बच्चे क्या हैं, टोटल है यहाँ पे रिमार्क्स है, डिसक्वालीफाई है, कोई क्वालिफाई नहीं करा। इवन तो इवन देखिए सारे विषयों में फेल हैं, मैथ्स में फेल है, इंग्लिश में फेल है, GK में फेल है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि RIMC कोई आसान एग्जाम नहीं है, कि RIMC आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। ये देखिए आंध्र प्रदेश में कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ है। अगर ये इंडिविजुअली क्वालिफाई कर जाता तो सिलेक्शन हो जाता, तो जरूरी नहीं है 300 नंबर ही चाहिए, कोई भी इंडिविजुअली पास नहीं हुआ है बच्चा। एक बात, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स की वैकेंसी भी खाली है, कोई भी लड़की पास नहीं हुई है आपका आंध्र प्रदेश से, ये भी खाली वैकेंसी जा रही है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, कैडेट रेंज मॉड इन्होंने पास कर लिया, इनके मार्क्स नहीं दिखाए हैं, जाहिर सी बात है 200 प्लस मार्क्स होंगे। बाकी गर्ल्स में एक ही बच्चे ने पेपर दिया था, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आसाम में अगर मैं बात करूं तो आसाम में कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ है। आसाम में फिर से यही प्रॉब्लम, कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ है। अगर बात करें हम बिहार की, तो बिहार में देखते हैं क्या कोई बच्चा पास हुआ है। ये देखिए ये ज्ञानव पाठक, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पास हुआ है, मतलब एक बच्चा, और एक बच्चा ये आदित्य सिंह, दो बच्चे पास हुआ है, ठीक है, दो बच्चे पास हुए हैं। और इसके अलावा में दो, टोटल दो ही बच्चे पास हुए हैं बस, बाकी सब इंडिविजुअल में फेल है। देखना यहाँ पे देखो, अब ये 138, 64, इनका क्या करें, 31 GK में फेल हो गए, यशराज GK में फेल है। लक्ष्य भार्गव पास हो गए ये, और तथागत कश्यप ये पास हो गए, चार बच्चे पास हुए। गर्ल्स में देखें तो स्मृति प्रिया पास हो गई हैं, गर्ल्स में बिहार से एक ही बच्ची पास हुई, एक ही वैकेंसी है, एक ही बच्ची। पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे आप ये नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत सारे नंबर जाके लेके आना, पहला टारगेट तो आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना ही है, वही आप नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ में कोई पास नहीं हुआ, गर्ल्स में कोई पास नहीं हुआ, दिल्ली में ईशान कुरगल्ले पास हुए हैं 1, 2, यशस्वी दैया 2 पास हुए हैं, इसके अलावा आयान 3, बस 3 ही बच्चे पूरे दिल्ली से पास हुए हैं। देखो क्या मतलब, बस गर्ल्स में अगर देखें तो गर्ल्स में भी कितना, एक भी कोई भी बच्चा इंडिविजुअल पास भी नहीं हुआ, इंडिविजुअल कट ऑफ भी नहीं निकल पा रहा है। गोवा में फेल है सब, गुजरात में 1, 2 ओनली 2 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं, 2 स्टूडेंट्स केवल। हरियाणा में कोई भी गर्ल्स पास नहीं, गुजरात में कोई भी लड़की पास नहीं हुई है, लड़कियाँ सब जगह फेल हैं, वो इंडिविजुअली कट ऑफ ही नहीं निकाल पा रही हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें हरियाणा में देखते हैं, चलिए हरियाणा में अगर देखें तो हरियाणा में कितने बच्चे भाई क्वालिफाई हुए हैं, सिर्फ 1 अब तक 1 निकले हैं, कर्नम चोकरा 1, 1, 1, 1 और ये 1 अभी, हरियाणा में 2, हरियाणा में नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत हैं, 2 बच्चे पास हुए हैं हरियाणा में, बस 2, ओनली 2। गर्ल्स में यस एक बच्ची पास हुई है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं का सिलेक्शन होगा अगर फिट हो जाती हैं, अगर ये मेडिकली फिट है तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 1, 2 स्टूडेंट्स, गर्ल्स में कोई पास नहीं हुआ है। शिमला में इसके 2 वो है, एक्चुअली जम्मू कश्मीर में ये है, देखिए तो ये पूरी लिस्ट है। आप इसमें ये नोट करेंगे
कि बच्चे इंडिविजुअली कट ऑफ ही नहीं निकाल पा रहे, इंडिविजुअली कट ऑफ में ही दिक्कत आ रही है। इंडिविजुअली कट ऑफ इज द मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है। इसलिए जब ये बात उठती है कि भाई आप कैसे तैयारी करें, आप क्या करते हैं, बच्चे मैथ्स में लगे रहते हैं या इसमें, सारों को आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, सारों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप इसमें देखो, ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें आप अगर ध्यान से देखो 60 यस। अब गर्ल्स को देखो, पुडुचेरी में कोई बच्चा पास नहीं हुआ, सब खाली है। चंडीगढ़ में आते हैं, चंडीगढ़ में अगर देखें तो हर्ष कुमार ये पास हो गए हैं, हर्ष कुमार, ठीक है। और गर्ल्स में कोई पास नहीं हुआ है, हर्ष कुमार भी पास हुए हैं, नीचे अतुल्य मल्होत्रा भी पास हुए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें, इसमें आपका कैटेगरी कौन सा हो गया आपका, हाँ, वेस्ट बंगाल में ओनली वन स्टूडेंट क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई हुआ है। इसलिए आप ये देखो कितना टफ पेपर, इसका एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा आता है, एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा, यहाँ पे स्कोर ज़्यादा नहीं करना है लेकिन लेवल भी अच्छा होना चाहिए आपको, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी। अविशी गुप्ता ओनली वन स्टूडेंट सिर्फ पास हुआ है, देखो गर्ल्स में सिर्फ एक बच्ची पास हुई है। और यहाँ से अगर देखें तो आप इसमें, अगर मैं इसको देखूँ, ये आई थिंक दिस इज यूपी, उत्तराखंड, यस, उत्तराखंड में कौन पास हुए हैं, उत्तराखंड में वन अध्यान राठौड़ पास हुए हैं, और बस इतने बड़े उत्तराखंड से एक ही बच्चा पास हुआ है, क्वालिफाई हुआ है। तो इट मीन्स ये नंबर बहुत कम है, ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए था बच्चे, इसका मतलब ये है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर अच्छी जगह से उन्होंने कोचिंग नहीं करी, अगर सही से अच्छे से कोचिंग करके अच्छे से तैयारी करके जाते तो एटलीस्ट क्वालिफाई तो होना चाहिए था ना, इंटरव्यू के लिए तो क्वालिफाई होना चाहिए था, क्योंकि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई तो करने के लिए 200 मार्क्स चाहिए बस, इंटरव्यू के लिए तो ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से काफ़ी नंबर ठीक है आपका, देखिए उत्तर प्रदेश से क्या पड़ रहा है आपका, देखो यहाँ पे राहुल पाठक पास कर गए दो, और इसमें ये देखिए ये तीन चार, और इसके अलावा में पाँच छः सात बच्चे हैं। और गर्ल्स में कौन है, सुप्रिया यादव पास कर गई हैं, और आस्था मिश्रा, दो बच्चियों ने पास किया है। तो ये पूरी एक लिस्ट है, इस लिस्ट में अपना नाम देखिए, अगर आप क्वालिफाई कर गए तो ठीक, और आप ये भी चेक करिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको भी चेक करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप यही ना पता करें कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर चेक करिए, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपसे इस तरह की कोई वो ना हो, गलती ना हो, तो आप क्या करिए, सबसे पहले नेक्स्ट टाइम से लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जनरल नॉलेज हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो, तीनों में क्वालिफाई कराने की गारंटी हम लोगों की है। जनरल नॉलेज में तो हमारा यूट्यूब चैनल ही आपको क्वालिफाई करा देगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब पे जीके वीडियो सही, महायज्ञ वीडियो सीरीज, साइंस सीरीज चली हुई है, और करंट अफेयर, अगर आपने तीन चीज़ कर ली, महायज्ञ सीरीज चली हुई है जून के लिए बता रहा हूँ मैं, साइंस की एक सीरीज चली हुई है और करंट अफेयर, अगर आपने ये तीन चीज़ें कर ली तो ये मान के चलिए कि आपका जीके में इंडिविजुअल नहीं रुकेगा, जीके में हम गारंटी देते हैं। मैथ्स में आपने जहाँ से पढ़ा होगा ठीक है, अगर आप मैथ्स की भी हमारी लाइव क्लास लेते हैं तो शायद वहाँ पे भी आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में आप हमारी लाइव क्लास लीजिए, वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है स्टूडेंट। और कोई डाउट हो इस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट जिन स्टूडेंट का क्वालिफाई हो गया, जिन स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं हुआ घबराने की जरूरत नहीं, जून में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है, उसकी तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू।